जंगल में ट्रैकिंग हो रही है। हम राजेंद्र सिंह, रेवी नेगी, हिहा सिंह नेगी जी। तो अभी हम मानले के पुरिया चौरा में होटल में, काफल ब्रांच के होटल में खड़े हैं और यहाँ से हिमालय का व्यू आज दिखाई दे रहा है, पंचाचोली, नंदाघूट। और अभी हम मानला के पुरिया चौरा स्थान पर खड़े हैं और लोग पूछते हैं मानला कहाँ कहाँ पर। उत्तराखंड में स्थित मानला अल्मोड़ा के पूर्वती सीमा पर स्थित शल्ट में मानला स्थित है और यहाँ से हम पीछे हिमालय व्यू दिखाएंगे। अभी हमने डीएसएलआर लगा रखा है, उससे क्लोज भी दिखाएंगे। यहाँ से नंदाघूट, पंचाचोली, चौखंबा और तमाम चोटियाँ दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पर एक हाई रेजोल्यूशन का टेलीस्कोप लगाया जाए और पर्यटकों को इस पंचाचोली के डिटेल भी दिखाया जाए। और हमने दूरबीन लगाए लेकिन दूरबीन इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन हम अगली बार आएंगे तो टेलीस्कोप लाएंगे। तो पंचाचोली के नंदाघूट चौखंबा खम का विहंगम दृश्य, जब सुबह सूरज उदय होता है उसकी लालिमा इन हिमालय के श्रृंखला पड़ती है, तो देखने लायक सीन बनता है। तो आज हम खड़े हैं रथखाल पुरिया चौड़ा ग्राम सभा काफल राज के होटल के छत पर, सामने हिमालय है। अलग अलग तितिर, कोकलास, उल्लू, मस्कडियर, कस्तूरी मिर्ग। तो मैंने सुना यहाँ कल तेंदुआ दिखाई दिया था। तेंदुआ उसको मार रहा है कुत्ते, उसको बकर को बकरी को। अच्छा चलो तो नीचे देखते हैं। और यहाँ देखो बर्फ भी चलता कितने पेड़। हाँ पेड़ टूट गया। एक समय थे हम इस पेड़ काटते थे, अब तो समय चेंज हो चुका है। अब पेड़ के पे बर्फ से पेड़ टूट गया, लकड़ी ऐसी है कोई नहीं पूछ रहा। और जब हम थे उस समय तो पेड़ काटते थे। जंगल में ट्रैकिंग हो रही है, हम राजेंद्र सिंह, रेवी नेगी, हिहा सिंह नेगी जी। तो हम आज मास्क डियर कस्तूरी में ढूंढने आए हैं और सामने हिमालय व्यू है, मनोरम दृश्य, सौंदर्य। मानला अपने आप में एक प्राकृतिक सौंदर्य से सदाबहार अनुपम छटा बिखरती हुई। मानला के जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं, मानला के जंगलों में तुपगानी के मत तुपगानी के ऊपर घूम रहे हैं।
खतरा आप आपको जीती थे साबुत जा सकते ले चीड़ का पेड़। इस चीड़ ने उत्तराखंड को बंजर कर दिया। तो एक बंदे तो एक चीड़ चीड़ बंदे में चीड़ कहाँ से आया, चीड़ का वर्तमान नाम क्या है? तुमने सुना कि जो चीड़ महावृक्ष है उसी तुमने, मैंने सुना नहीं, समाज बना रखी मगर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के त्योणी मोटर मार्ग पर ट्रांस नदी है, ट्रांस नदी के किनारे चीड़ की समाधि है, चीड़ समाधि है और 220 साल पुराना। मानल के जंगल में हम घूम रहे हैं, देवदार, चीड़ और बुरांस, और बुरांस का रोडोडोन आर्बोरियम के पेड़ हैं यहाँ पर। अभी बुरांस के फूल खिले नहीं, अभी अगर मिलेंगे तो दिखाएंगे आपको। यहाँ हम बचपन में लकड़ी काटे आते थे, समय सबसे ज़्यादा बलवान होता है। आज ये जंगली गाय लोगों ने अपने घर से छोड़ दिए हैं। क्या आपको जंगल की याद आ रही है बचपन की? जंगल में आया हूँ मैं 30 साल बाद, मैं 93 में दिल्ली चले गया था और इसी जंगल से हम लकड़ी काटते थे। आज 30 साल आज बाद ही जंगल में आया हूँ और मैं देख के भाव हो गया हूँ कि हम चीड़ उसे काटते थे, अंग्या काटते थे और उसमें धुन थी चीड़ काटना और लकड़ी। कितनी बार तो पथरौल ने हमको पकड़ लिया था, रबड़ छोड़ के भाग गए थे। उस टाइम में तो हमको अपनी जान की, वो जान की परवाह नहीं थी, परवाह थी कुल्हाड़ी की। पथरौल ने पकड़ लिया एक बार हमें और हम भग गए गाँव। तो थी ये चीड़ काटे, हमने कितने चीड़ काटे थे, सूखे चीड़ काटे टूर्नामेंट के लिए काटे यहाँ से। तो आज 30 साल याद ताज़ा हो गए हमें और मैं इतना भावुक हो गया हूँ। और मैच भी खेलते थे, इसे मैच हम रतखाल के मार्केट में घूम रहे हैं, हमारा लोकल मार्केट रतखाल। यहाँ से खाद ले जाएंगे। और ठीक ठाक उसका उसका जी हाल चाल है? नमस्कार, दुकान ठीक चले से? शेर शेर चले से कल? हाँ ठीक, हाँ सब सही। हाँ प्रभु तुम मस्त एंजॉय करे होमी। हाँ ना बिल्कुल पूरा एंजॉय करो। अच्छा आते इतने रहने ले? हाँ इतने की ज़्यादा मिले? हाँ नहीं इतने रहने दो। पैसे तो नज़िको वालों? नज़िको हाँ पर आप सब इतने हैं। ठीक है। यहाँ पर सब कुछ मिलता है जो दिल्ली में है, सारा सामान A to Z, सुई से लेकर लोहा लक्कड़ तक, सुई से लेकर साबुन तक, संबल संबल सावा जनरल स्टोर। नंदू सबका बंधु, नंदू सबका बंधु दुकान का नाम है नंदू। और जनरल स्टोर पहले इनकी पिताजी की दुकान थी, उनका स्वभाव अच्छा था बोल चाल में और बच्चों का भी स्वभाव। नमस्कार जी, ठीक ठाक? हाँ नंदन ठीक ठाक से? नाइट्रोजन
तो दुकान ठीक से नहीं दुकान ठीक से लम जाए सुमन यार हम नल चाहिए लोहा का तो यार ये हम मॉडर्न नल जी का इंच ये तो लगा तुम मुंह में बाथरूम में लग जा ये नहीं चला मैंने ऑर्डर किया तो बुझ जाने यार तो इंच को तुम्हारा एक नल लोगे हां प्लास्टिक को लेकर आ जाला ना प्लास्टिक ले पटाओ वो हवा लगा ना हवा मत हवा में ये लोग हां लोग तो निकल एक नल ग्यारह सौ।